हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। ये मॉर्निंग का टाइम है और बस ये थोड़े से जो साफ़ सफाई करते करते मेरा ध्यान चला गया इनके ऊपर कि चलो थोड़ा सा आपको भी दिखा लूँ। और आज ब्लॉग की शुरुआत इन्हीं लोगों से कर लेते हैं। और कैसे लगे आपको ये मुझे बताना, कैसी लगी है मेरी ये विंग चिल। और जी ये देखिए, उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ और संडे होता है, क्लीनिंग डे होता है मेरा पूरा, तो अच्छे से सफाई हो जाती है संडे वाले दिन। तो यहाँ झाड़ू लग रहा है और उसके बाद जो है पूरे घर की सफाई करते करते बहुत टाइम हो जाता है, तो हर जगह अच्छे अच्छे से करना पड़ता है। आज जो है मैंने पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो क्या बोल सकते हैं हम उसको, डीप क्लीनिंग की है। और जाले वगैरह बहुत लग गए थे, मतलब अगर आप अच्छे से नहीं साफ़ करो ना तो वो 2 या 3 दिन के बाद आपको करने ही पड़ते हैं। लेकिन मैं रोज़ झाड़ू तो लगा लेती हूँ, लेकिन जो ये जाले वगैरह हैं ये नहीं लगा, कभी कभी ही साफ़ होते हैं। इसके लिए पूरा बिल्कुल खुला टाइम चाहिए। आप समझ सकते हो 9 बजे मुझे जाना भी होता है, तो 9 बजे से पहले पहले जितना हो सकता है उतना मैं कर लेती हूँ, जितना नहीं होता वो फिर नेक्स्ट डे के लिए हो जाता है इकट्ठा। और कभी मैं कर लेती हूँ, कभी सोनी कर लेती है, पर ये थोड़ा इसको बता बता के करना पड़ता है कि अच्छा ये काम भी करना है। और यहाँ जो है यहाँ ये कर रही है सफाई, क्योंकि मैंने इसको बोला था डस्टिंग तू कर दे और बाकी सफाई मैं कर लेती हूँ। दाम है किस किया पता नहीं उसकी अबू लड़की पूछती हूँ मैं पापा को फोन करके क्या बोलते हैं। जाना तो है तेरी नकल करता ना तू, लड़की वाली हरकत करता है, कभी लिपस्टिक ठोकेगा, कभी वो नेल बिन लगाएगा हाथ में, कभी मेहंदी लगा रखेगा। तो छोटा है बच्चा, उसको क्या पता चलता है, शौक होता है ना बोला जैसे। शौक इसके अलग ही। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़ों के तह, जो मतलब कपड़े बाहर से मैं सुखाए हुए लाई थी अंदर। और आज मानोगे आप तो मैंने आज आई थिंक 3 या 4 घंटे मेरे कपड़ों पे ही लगे हैं। कपड़े धोए हैं जो पिछले कल, उनको आज सुखाया है और उनको जो है इनकी अलमारी सेट करी, फिर सोनी ने अपनी अलमारी सेट करी। और इनका तो ऐसा था कि जितनी मर्जी बाहर कपड़े तय करके रख लो, अच्छे से सेट करके रख लो, ट्राउज़र अलग करके रखो, टी शर्ट्स अलग रखो, शर्ट अलग रखो, फिर 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद देखो तो फिर से वही कपड़ों का ना मतलब वो वापस वैसे ही होते हैं। हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं खलारा डाल के रखा होता है, खलारा इन द सेंस कि बिखरा के रखे होते हैं। तो बस मैंने आज सोचा इनको अच्छे से कर लेती हूँ सेट, और उसके बाद मैं इसको बोल रही सोनी को, मैं कहा तू भी कर ले अपने कपड़े अच्छे से सेट करके रख ले। और ये हैं छोटे छोटे टावल और शॉल,
और यहाँ जो है मैं इसको रख दूँगी बेड बॉक्स में। और उसके बाद जो है मैंने करनी है अभी हैंसी के कबर्ड की सफाई। इसने बड़ा गंद डाला हुआ है, इसने जो अपने छोटे छोटे सारे टॉयज़ जो है ना सारे के सारे वो करके रखे हुए हैं, एक ही जगह फेंक रखे हैं सारे। और ये यहाँ पे खा रही है खाना और साथ साथ टीवी भी देख रहे हैं हम लोग। और मूवी लगी थी भूल भुलैया, तो उसमें आते हैं ना बीच में हंसने वाले सीन, तो बस वही हम लोग काम भी कर रहे हैं और साथ में मूवी भी देख रहे हैं। और इसके बाद जो है सोनी को मैंने बोला था अपनी अलमारी सेट कर ले अच्छे से, तो अब आप देखोगे ना इसकी अलमारी पूरी भरी पड़ी है। लेकिन कभी मतलब इसको ये नहीं होता कि हाँ कपड़े हैं तो चलो कोई बात नहीं, देखो कितने हैं सारे कपड़े हैं। मतलब कुछ तो ऐसे होंगे जो अनटच हैं, अभी तक पहने भी नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है इसके कपड़ों के तह लग रहे हैं, और साथ साथ जो है ये देखो दुनिया जान के कपड़े हैं। और उसके बाद ये हम चल पड़े हैं कहीं, और कहाँ जा रहे हैं अभी आपको ब्लॉग में आगे देखिए पता लग जाएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा। जाना नहीं था लेकिन जाना पड़ा, थोड़ा काम था हमें। और ये देखिए छोटे छोटे पपी हैं इधर, और उसके बाद हम चल पड़े हैं। अब आप कीजिए इंजॉय। तो ये है बाथरी का मार्केट, मतलब यहाँ से जब चंबा को जाते हैं तो आई थिंक 8 या 10 किलोमीटर से आगे जाके है बनीखेत से। चंबा रोड पे हम लोग गए थे बाथरी, तो कुछ काम था। संडे यहाँ मार्केट खुली होती है, हम तो जिस काम से गए थे वो काम तो नहीं हुआ। लेकिन आपको याद होगा पिछले ब्लॉग में मैंने एक ब्लॉग में दिखाया था जो सोनी सूट लेके आई थी, हमने वो रिटर्न करना था, तो भैया की शॉप तो बंद थी। और बस यहाँ पे इनका फिर थोड़ा बहुत अपना काम था, इन्होंने वो करवा लिया। और उसके बाद जो ये आप देख रहे हो यहाँ निकली हुई है झांकी निकली हुई है दशहरे के लिए, और नवरात्रे लगे हुए हैं तो आपको पता है। ये देखिए इसमें जितने भी वो राम और लक्ष्मण की झांकियाँ निकली हुई हैं, सीता मैया की, सीता जो बिठाई हुई और सीता जो है वो बने हैं एक आदमी। तो बस
तो यहाँ हम जब वापस आ रहे थे तो हम गए थे हमारे जो शास्त्री गुरुजी हैं उनके पास, क्योंकि हैंसी की और सोनी की दिखानी थी कुंडली, और साथ में मैंने अपनी भी चेक करवानी थी इनकी भी। तो बस हैंसी का बर्थडे आ रहा है तो उसके लिए गए थे हम लोग। और यहाँ जो है ये इसकी हरकतें चली हुई हैं, तो आगे मैं दिखाती हूँ आपको, गुरुजी से भी मिलाती हूँ। और इसको यहाँ बोल रहे हैं कि इसको हम कर रहे थे कि आज हम तुझे हॉस्टल छोड़ाएंगे, जाते हुए हमने इसको यही बोला था, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि अच्छा मुझे छोड़ा नहीं ना आपने, देखो झूठ बोलते हो। तो ये घर आने के बाद का है जी शाम का, और यहाँ पे जो है नवरात्रि चली हुई है, तो बस पूजा वगैरह करके मैं उसके बाद लग पड़ी थी अपने काम में। और आज लाइव भी आई थी शाम को, 7 बजे लाइव आई थी, देख लेना प्लीज़ आप भी। और ये बना रहे हैं खाना अपने लिए। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।